गर्मा गर्म बहू, बहू वो भी गर्मा गर्म। सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो देखिए। अरे बहू देख तो, कौन है दरवाजे में? बहू दरवाजा खोलने जा रही होती है कि अरे बहू, साड़ी के पल्ले से खुद को ढक तो ले सरा। साड़ी भी ऐसे पहनती है जैसे उर्मिला मातोंडकर की वन पीस ड्रेस। बहू जल्दी से साड़ी ठीक करके दरवाजा खोलती है। सामने खड़ा होता है दूध वाला। ओए होए भुजाई जी, बिल्कुल नदिया के पार की लग रही हो। आहा, चल दूध दे और निकल। कितनी बार बोला है तुझे, बाहर दरवाजे में ही बर्तन रखा रहता है, दूध डाल कर निकल जाया करना। लेकिन नहीं, डाल बजाए बिना जाएगा नहीं है। वो क्या है ना, भाभी का चेहरा देख लेते हैं तो लगता है कि अब दिन अच्छा जाएगा। तभी पति आ जाता है। ले मेरा भी चेहरा देख ले और निकल यहाँ से। दूध वाले के जाने के बाद पति कहता है, सुरीली कितनी बार बोला है, ये छोटे लोगों के सामने मत आया करो, ये लोग कुछ ज्यादा ही मुंह चढ़ जाते हैं। कमरे में तो आइए जरा, बात करनी है। अब क्या बात करनी है, यहाँ करना मेरे सामने? अरे कमरे में क्या क्या पट्टी पढ़ाती है मेरे बेटे को सब पता है मुझे। कमरे में सुरीली पति के सामने झूठी आंसुओं के साथ, अब मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। देखिए ना, कैसे कैसे लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, अब मैं क्या जानूं किसके दिल में क्या है। अरे अब रो क्यों रही हो मेरी सुरेली, वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना कोई तुम्हारी तारीफ करे तो। अरे तुम हो ही इतनी सुंदर। खैर मामला निपट जाता है, लेकिन सुरेली के दीवानों की लिस्ट बढ़ती जाती है और सुरेली को पता होता है कि वो इतनी सुंदर है कि सब उससे बात करना चाहते हैं। फिर एक दिन आ गया फिर ये मुआ सब्जी वाला। अरे कितनी बार बोला है कि सब्जी रख जाया कर, लेकिन नहीं, आज मैं ही निपटती हूँ इससे। सास बाहर जाती है कि सब्जी वाला उन्हें देखकर आगे निकल रहा होता है। अरे रुक तो, आज तेरी खबर लेती हूँ, ये क्या दरवाजे खड़ा होकर चिल्लाता रहता है। वो माता जी, भाभी जी को कहीं सब्जी तो नहीं लेनी, इसलिए बुला रहा था। वैसे भी भाभी जी के लिए मैं ये ताजी सब्जी अलग ही लेकर आता हूँ ना, क्या है बासी सब्जी से उनके चेहरे की चमक कम ना हो जाए इसलिए। अच्छा, पूरे मोहल्ले में तुझे मेरे ही बहू की चिंता हो रही है, रुक अभी तेरा यहाँ आना ही बंद कर देती हूँ मैं। अरे कैसी बात कर रही है माता जी, एक तो भला सोचो ऊपर से। अरे चलिए जा रहा हूँ मैं, आज भाभी जी के दर्शन किए बिना ही जाना पड़ रहा है। सब्जी वाला तो चला जाता है, लेकिन सास की बड़बड़ शुरू हो जाती है। क्या हो गया माँ जी, अब मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। अरे डूब के मर जा चुल्लू पर पानी में, और क्या करेगी, इतनी सुंदर इतनी सुंदर। अरे हम भी कम ना थे अपने समय में, क्या मधुबाला क्या मीना कुमारी, सब फेल, सबके सब फेल थी मेरे सामने, लेकिन मजाल किसी की कोई आंख उठाकर भी देख ले। माँ जी जमाना बदल गया है, अब कोई आंख उठाकर ना भी देखे तो ऑनलाइन प्रोफाइल में देख लेता है। माँ जी छोड़िए ना ये सब, जाने दीजिए और बताइए कुछ काम था क्या। सास बहू और बेटा, जिंदगी यूं ही चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना कहाँ जिंदगी इतनी आसान है किसी की, कोई ना कोई पंगा तो होता ही है। माँ जी वो पड़ोस में कौन आया है जरा देखिए तो। लगता है कोई नए पड़ोसी आए हैं, बहू जाकर उन लोगों को चाय पानी पूछ ले, वो क्या है ना थक गए होंगे शिफ्टिंग से और ऊपर से इतनी गर्मी। बहू हाथ में चाय पानी की ट्रे लेकर पहुंच जाती है। नया पड़ोसी, ओह माय गॉड, आप कौन है? जी मैं आप लोगों की पड़ोसन हूँ, वो आप लोगों को देखा सुबह से शिफ्ट हो रहे हैं तो मैंने सोचा चाय पानी पूछ लूँ। ओह भाग्य हमारे, जो आपके बगल में रहने का मौका मिला, मेरे तो पैसे ही वसूल हो गए, कितने सुंदर हैं आप। जी मैं तो कहती हूँ कि मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। तभी नए पड़ोसी की बीवी आ जाती है। अपने आधार कार्ड की फोटो देख लो,
और ये जो मेकअप की चार लेयर चढ़ा रखी है ना, वो भी धो लेना। और हाँ, अब ये चाय पानी लेकर निकलो, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, चलो निकलो। हाँ हाँ जा रही हूँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा इस दुनिया में। हाँ हाँ देख रही हूँ मैं कैसी भलाई हो रही थी यहाँ। और आप चलिए अंदर। सुरीली घर आ जाती है, हाथ में चाय पानी का ग्लास वैसा का वैसा देखकर। क्या है बहू, उन लोगों ने चाय पानी नहीं लिया? लिया ना सासु माँ, लिया भी और दिया भी। अरे क्या ले लिया क्या दे दिया, अरे कुछ खुल कर बताना। बहू सास को सारी बात बता देती है। गालियां दी हैं गालियां, अब मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ बोलो। अरे देख बहू, किसी के पति से तू ये सवाल करेगी तो उसका माथा तो खनकेगा ही ना, क्यों? अब मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। थोड़ी ही देर में पड़ोसी घर आ जाता है। जी वो भाभी जी आई थी ना चाय पानी के लिए, तो मेरी बीवी थोड़ा गुस्सा हो गई थी, मैं माफी मांगने आया हूँ उनसे। देखिए मेरी बहू में ना बचपना है, तो कोई बात नहीं, वैसे आपकी बीवी को लेकर आना रात के खाने में। जी जी जरूर। रात में पड़ोसी बीवी के साथ घर आता है, जहाँ वो सुरीली को देख रहा होता है, जो सुरीली के पति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुरीली माँ को भेज दो, वो खाना लगा देगी। जी सही कह रहे हैं आप, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी लेकिन ये जिद पर अड़ गए। अरे क्या हो गया, अब मैं इतनी सुंदर। सुरीली बात पूरी कर ही नहीं पाती कि पति जोर से चिल्लाता है। क्या सुंदर सुंदर करती रहती हो, पागल हो गई हो क्या? कमरे में तो आइए जरा। तभी सास आ जाती है। नहीं बहू, बेटा जो बोल रहा है सही बोल रहा है, कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है या कुछ बोल रहा है तो तुम्हें उसे डांटना चाहिए, ये सब शोभा नहीं देता। मैं तो इनसे भी परेशान हूँ, न जाने क्यों ऐसी हरकतें करते रहते हैं, किसी भी सुंदर महिला को देखकर देखते ही रहते हैं। अरे आप तो खुद कितनी सुंदर है, आपको ऐसे उल्लू छाप आदमी से शादी करने की क्या जरूरत थी, आपको तो मेरे जैसे हैंडसम से शादी करनी चाहिए थी। हाँ सही कह रहे हैं, वैसे आप तो कितने टॉल और हैंडसम है। अब कहाँ से ये गंवार से सुरीली के चक्कर में पड़ गए आप ही। सुरीली और नया पड़ोसी ये देखकर हैरान से हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं, क्या हो गया है आपको? अरे तुम मेरे सामने किसी और की तारीफ कर रही हो, ठीक तो है ना, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों यही हरकत तुम करती हो तो? सही कह रहे हैं भाई साहब, शादी के बाद दूसरे के साथ फ्लर्ट करने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन जब यही काम मैं करूं तो बुरा क्यों लग रहा है आपको? हाँ और भी सुंदर लड़कियां हैं जमाने में, उन लोगों की तारीफ क्यों नहीं कर सकता मैं, दूसरे भी तो तुम्हारी तारीफ करते हैं ना। नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई मेरी गलती क्या है। मैं भी अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। धर्म पत्नी जी मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम भी सिर्फ मेरी है ना।